ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के सोलन जिला की निर्मल ग्राम पंचायत नौणी अब एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिसके तहत पंचायत के अणु गांव को श्रावण गांव से जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क की खास बात ये होगी कि इसे पुराने समय की तर्ज पर केवल पत्थरों द्वारा ही तैयार किया जा रहा है, जिससे न केवल ये मार्ग ग्रामीणों की फसलों आदि को मंडियों तक पहुँचाने में मददगार होगा, बल्कि इससे मरीजों को भी अस्पताल तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। प्रदेश के सोलन जिला के निर्मल ग्राम पंचायत नौणी अब एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिसके तहत पंचायत के अणु गांव को श्रावण गांव से जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये सड़क की खास बात ये होगी कि इसे पुराने समय की तर्ज पर केवल पत्थरों द्वारा ही तैयार किया जा रहा है, जिससे न केवल ये मार्ग ग्रामीणों की फसलों आदि को मंडियों तक पहुँचाने में मददगार होगा, बल्कि इससे मरीजों को भी अस्पताल तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इस सड़क मार्ग को बनाने के लिए डंगों से हार्ड रॉक को तोड़ तोड़ कर पत्थर इकट्ठा किए गए हैं और 1 से 2 फीट तक के पत्थर इस सड़क में बिछाए गए हैं। पंचायत की माने तो ऐसा करने से न केवल सड़क बनाने में खर्चा कम होगा, बल्कि पुराने समय की सड़कों की तरह ये सड़क भी लंबे समय तक खराब नहीं होगी और इस सड़क के बन जाने से कई गांवों की दूरी नौणी बाजार तक पहुँचने के लिए कम हो सकेगी। 1 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने के लिए वित्त आयोग से कुल 6.5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पंचायत प्रधान बलदेव सिंह ने बताया कि नौणी श्रावण बाया अणु सड़क मार्ग जो बनाया जा रहा है, उसे पूरी तरह से पत्थरों द्वारा तैयार किया जा रहा है और सड़क मार्ग को बनाने के लिए ढंगों से हार्ड रॉक को तोड़ तोड़ कर पत्थर इकट्ठा किए गए हैं, जिन्हें इस सड़क से इस्तेमाल किया जा रहा है। पंचायत की माने तो ऐसा करने से न केवल सड़क बनाने में खर्चा कम होगा, बल्कि पुराने समय की सड़कों की तरह ही ये सड़क भी लंबे समय तक खराब नहीं होगी। इस रास्ते को जो हमने बनाया है, ये हमारा एक पहला रास्ता है और पहला प्रयोग है। यहाँ हमने जब रास्ते का निर्माण किया तो यहाँ बहुत ज्यादा हार्ड स्टोन थे, बड़े बड़े ढांक थे, इस करके जो सड़क दूरी दूरी से ले जानी पड़ी थी, किंतु हमने उन ढांकों को तोड़ के जितने भी बड़े पत्थर निकले हैं उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल हमने इस रोड में किया है। लगभग 1 से 2 फुट बड़े बड़े पत्थरों को इसमें बिछाया गया है और इस कंक्रीट के पत्थर के जोड़ों पर हम तेज बजरी और सीमेंट 2:1 की रेशो से लगाएंगे, ताकि ये कम से कम 50-100 साल तक ये रोड ऐसे ही रहे। क्योंकि उदाहरणार्थ हमने जो सपाटू में पुराने जमाने के रास्ते देखे हैं पत्थर के, आज भी वो वैसे ही है, उसी रूप में हमने इसको लोक का निर्माण किया है। इससे फायदा ये होगा, जहां इस 1 किलोमीटर सड़क बनाने को कम से कम 10 लाख रुपए लगने थे, वहां मात्र हम इसको 5-7 लाख में बनाने का प्रयत्न करेंगे। मैं 14th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से ये रोड बना रहा हूँ, जो यहाँ इस रावण का जो ये मार्ग है 1.5 लाख रुपए का हम यहाँ इसमें वित्त आयोग से खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार जो अणु गांव है, अणु गांव से यहाँ सरावण बॉर्डर तक यहाँ का जो ये रास्ता है, इसमें हमारे पास लगभग इस पर हम 5 लाख रुपए इस पे खर्च करेंगे। और इस सड़क बनने से यहाँ हमारे आसपास जो शमरोड पंचायत के विषय ओला बराटी कुपड़ा ये गाँव है, उनको भी लाभ होगा।